जब सुहाना बन नहीं लगते थे मन महलों की जैसी बात, अब तो मन अभी हो रहा है भाई लक्ष्मण। समय का परिवर्तन देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है, संसार जो भी चक्र नहीं। ये सीएम साहब जी की पहली सरकार है जिन्होंने सानू इन्ना मान बख्शिया है, जिन्होंने सानू तीर्थ यात्रा ते भेजा है। सो अज बड़ी खुशी हो रही है मन नू कि परमात्मा ने कोई ड्यूटी लाई सी वो पूरी कर रहे हैं। उदे लिए मैं तुहानू सारयां नू बधाई दिन्ना, ये बल तुसी बख्शिया है क्योंकि जनता दे विच ही लोकां दे विच ही परमात्मा बसदा। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगवाई वाली पंजाब सरकार वालों शुरू की गई मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा स्कीम ने लोकां दा सुपना साकार कीता है, जिस तहत पंजाब दे लोक देश भर च सुभायमान वख-वख तीर्थ स्थानां दे दर्शन मुफ्त सफर राही कर रहे ने। धार्मिक स्थानां दी यात्रा लई पीआरटीसी अते पंजाब रोडवेज दीआं बसां तों इलावा विशेष ट्रेनां दा भी प्रबंध कीता गया। यात्रियों नूं श्री हजूर साहिब, पटना साहिब, वाराणसी, मथुरा, वृंदावन, अजमेर शरीफ तक दी रेलगड्डी राही यात्रा करवाई जा रही है, जबकि श्री अमृतसर साहिब, तलवंडी साबो, श्री आनंदपुर साहिब, माता चिंतपुर्णी, माता नैना देवी, माता वैष्णो देवी, सालासर, बालाजी धाम, खाटू श्याम धाम, माता ज्वाला जी तक बसां राही मुफ्त सफर करवाया जा रहा है। हुण तक 33,500 तों वध श्रद्धालुआं ने इस योजना दा लाभ लिया है। इस स्कीम तहत मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने तीर्थ यात्रा दे खर्चे दी चिंता दूर कीती है। किसी भी दशा में ना झुका आज वो भी टूट गया, अनेक प्रकार की चोटों को सहन करने वाला हृदय भी वियोग की चोटों से टूट गया। पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में चले जाए, मलिक समुद्र में हो, पहाड़ों में मगर जाए, चलते समय कहा मुझसे सब मेरी व्यथा सुना देना, छोड़ा तो प्राण यंत्र पर उसकी भी याद दिला देना। देवताओं का अन्नदाता, लोकपालों का इष्ट देव, दानव, धनुष और दैत्यों का स्वामी रावण, कुंभकर्ण कौन है वो पापी जिसने मुझे कच्ची नींद से जगाया है। सत श्रीकाल जी, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हो तुसी, मैं हाँ विनित कपूर। सब तो पहला थानू सीधी तस्वीर विखाने है क्योंकि हुण रामलीला दा मंचन जिहड़ा ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਲੀਲਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਚਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਰਾਮਲੀਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ ਮੰਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭਿਨੈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਵਣ, ਰਾਮ, ਸੀਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਮ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਲਜ ਗੋਇੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਕਈ ਸਕੂਲ ਗੋਇੰਗ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਨੇ, ਕਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ਾ ਨੇ, ਕੁਛ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਕੁਛ ਟੀਚਰਸ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਵਰਗ ਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੜੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਤਦ ਤੱਕ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸਦਾ ਯੂਥ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝਲਕ ਵੀ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਏਕਤਾ ਨਾਗਪਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਜੜੋ ਤੋਂ ਜੁੜੋ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਮ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਟਪਟਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਅਭਿਨੈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਸਫਲ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
प्रेरणा तो भाजी राम जी ने आप ही दी कि उन्होंने आदि धियां जिवें एक उन्होंने एक स्नेहा लाया कि सेवा च तुसी भी अगे आओ, दुनिया च सारे काम जो है भैन बेटियां कर रही हैं, एक साड़ी सेवा च पिछे क्यों हो। तो फिर सारिया ने असी डिसाइड किया कि असी रामलीला खेडांगे जो सारी पूर्णतः महिलावां द्वारा होएगी, तो एक राम जी के चरणा चादि सेवा पाने नू, एक समाज नू ते भावी पीढ़ी नू स्नेहा देने नू कि जो है औरत सिर्फ पैसे कमा नहीं सकती, वह सिर्फ परिवार नहीं सिर्फ पाल सकती, वह सिर्फ अपना ख्याल नहीं, इन्हां सारिआं दे नाल आदे धर्म आदे सनातन आदे देश की भी रक्षा करन च पूरी सक्षम है। यह मैसेज देने नू असी रामलीला का टीचा जो चक्किया। बिल्कुल, लेकिन शुरुआती दौर दे विच कठिनाई जरूर हुई होएगी कि हर एक अभिनय नू किस तरह निभाउणा है और महिलावां और रोल कर पाणगियां, रावण की गल करिए रावण का रोल, या फिर असी राजा रामचंद्र की गल करिए, सीता दे रोल की गल करिए, मंदोदरी दे रोल की गल करिए, होर कई इहो जिहे किरदार जिसनों कहा जाता है कि थिएटर के जिहड़े आर्टिस्ट ने वह भी निभाते हुए एक बार उन्होंने भी प्रैक्टिस करनी पैंदी है। तुसी सारे नवे चेहरे लैके आए और वो चेहरे जिन्हां ने थिएटर कदे नहीं किया सी, इह इन्ना वड्डा काफिला जिहड़ा तुहाडा इकट्ठा होया इह किस तरह हो पाया? असल च ना हर इंसान च एक कलाकार होंदा है और औरतां ही तां खास तौर पर होंदा क्योंकि वह इन्ने मल्टीपल रोल्स लाइफ च भी प्ले करदी आ, तां जरूरत होंदी है एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए जिथे वो अपना इन एंड आउट पूरा एग्जिबिट कर सके, और किरदार चाहे रावण दा होए, किरदार चाहे जनक दा होए, किरदार चाहे हनुमान जी दा होए, जो भी किरदार रोल प्ले करदा वो जदों कलाकार राम जी दे मंच ते आ गया तो राम जी दी सेवा नू अर्पित होंदा, ते जिथे राम दी सेवा आ गई उत्थे तां परफेक्शन आनी आपे रब आप ही देखदा है। फिर लेकिन साडे समाज दे विच कुछ इहो जिहे भी लोग ने कि अगे वधण वाले नू रोकदे जरूर ने, शुरुआती दौर दे विच तुहानू भी इहो जिही दिक्कतां आईआं? बिल्कुल आईआं, लेकिन एक हमारे को बहुत मतलब इनक दिक्कत आई हैं कि हूँ वारी वारी वो गल करना भी सानू दिक्कत दे गल करन दा टाइम भी है नहीं, लेकिन एक दो लाइना है हरिवंश राय बच्चन जी दियाँ कि चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, ये पापियों को हक नहीं कि लें वो परीक्षा तेरी, ये सोच करके हमारी टीम आगे बढ़ती है कि इन समाज के ठेकेदारों को हक नहीं है कि वो हमें बताएंगे कि हम राम जी की सेवा कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हम सारी दमदार बहनें हैं और मजाल किसी माइकल लाल की आकर के हमको रोक के दिखा दे, हम राम जी की सेवा को अर्पित हैं और हमारे श्वास का अंतिम, हमारे जीवन का अंतिम श्वास भी अगर राम जी की सेवा में लग गया तो हम अपने आप को धन्य मानेंगे कि हम राम जी की सेवा में अपना प्राण अर्पित कर गए। बिल्कुल, जोश है और आ हौसला है जिहड़ा इस रामलीला नू लगातार सफलता की तरफ लैके जा रहा है। गुरु जी जिहड़े इत्थे इन सारी महिलावां नू ट्रेंड करदे ने, सारे रोल इन्हां दी तरफों डायरैक्ट किए जाते हैं, गलबात करदे आं सर किन्ना कु औखा हुंदा है महिलावां नाल आ सारे सीन डायरैक्ट करना? देखो जी जिहड़ी एक्टिंग है ये तां महिलावां दे विच शुरू तो ही है कहते हैं कि एक्टिंग सिखाने की जरूरत नहीं है इनको, जब औरत प्लेन उड़ा सकती है, जब एक औरत पहरा दे के बंदूक उठा सकती है, बॉर्डर की रक्षा कर सकती है, जब औरत देश को चला सकती है बड़े बड़े ओहदों पर बैठकर, तो ये तो एक मामूली सा काम है। एक्टिंग इनके रग रग में है, बस केवल चयन करना होता है। हम जब चयन करते हैं ना किसी आर्टिस्ट को, बस उसका चेहरा देख के, उसकी आंखें देख के, उसके हाव भाव देख के चयन करना, जब आधा काम तो चयन करने पे है। जब हमने कुंभकर्ण को चयन कर लिया, जब हमने रावण को चयन कर लिया, जब हमने हनुमान जी को चयन कर लिया, उसके बाद हनुमान जी रावण अपने आप चलते हैं। सो मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं था जी, कोई मुश्किल नहीं। बिल्कुल, देखो सीधे तौर पे वड्डी गल आखी है, एक्टिंग जड़ा है वो महिलावां दे अंदर ही है और वो जिहड़ी प्रतिभा इन्होंने बाहर कढ़न की कोशिश की, किरदारां नाल भी गलबात करन की कोशिश करदे हां कि किस ढंग दे नाल मैनेज करदे ने घर नूं, अपनी नौकरी नूं, और उस तो बाद इत्थे भी क्योंकि इन्हां नूं समां देना पैंदा है। तुहाडा की नाम है जी? अनुषा। अनुषा किहड़ा किरदार निभा रहे हो? मेरे तीन किरदार है, इंद्रदेव, कौशल्या और इंद्रजीत। जी, इंद्रजीत जी रावण के बेटे जी, यानी तीनों किरदार एक साथ निभा रहे हो? हाँ जी। टफ रहा? टफ है, क्योंकि तीनों की नेचर ही बहुत डिफरेंट है। इंद्र और इंद्रजीत को अगर मैं कंपैरिजन करूं तो वही एक एरोगेंस और एटीट्यूड का फ़र्क है डेफिनेटली, एक इंद्र है तो दूसरा इंद्रजीत है, बट देन एक बहुत सहज सा किरदार है कौशल्या का। मुश्किल होती है बट आई थिंक ये
पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, लाइफ भी ऐसे ही चलती है, इन्हीं ये कुछ रस होने चाहिए जिंदगी में। वैसे वैसे क्या करते हो? मैं एंटरप्रेन्योर हूँ। मैनेज कैसे करते हो दोनों फील्ड? मैनेज हो जाता है, वो जो वहाँ पे परेशानियाँ होती हैं काम पे, वो यहाँ आके थोड़ा सा वो रिलैक्सेशन हो जाती है। यानी अब जो यहाँ पर अभिनय होता है वो रिलैक्सेशन के रूप में तब्दील होना शुरू? हमारा डिवोशन का तो होता ही है, एवरीबडी इज़ वेरी डिवोटेड हेयर, लेकिन साथ के साथ एक जो स्पिरिचुअल कॉन्टैक्ट बनता है, अगर राम जी कोई किरदार निभा रहे हैं तो हम सब सुन रहे हैं बैठ के, वो कहानी पता लग रही है कि वो है क्या, राम की मान रहे हैं, उस मर्यादा को समझ रहे हैं कि राम जी किस तरह से चलते थे या क्या बोलते थे या कहानी क्या है, तो डेफिनेटली हमारा माइंड सेट, साइकोलॉजी सब चेंज होती है उस चीज़ से। फिर चाहे कोई बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आ जाए उससे फिर अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फैमिली की तरफ से सपोर्ट मिला? फैमिली की तरफ से पूरा सपोर्ट है, और फैमिली क्या, फ्रेंड्स, फैमिली, नेबर्स, और सबसे बड़ा एकता आंटी की तरफ से पूरा। हम कभी ऐसा बोल भी दे कि नहीं इस बार थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, नहीं नहीं तुम करो, कुछ मुश्किल का पता नहीं लगेगा, तुम करो। जब रोल करते हो, सोसाइटी में जाते हो या फ्रेंड्स के बीच में जाते हो, आपके एक्चुअल नाम से आपको बुलाते हैं या इंद्रजीत कहते हैं? इंद्रजीत में इसी बार बनी हूँ, कौशल्या इज़ कांस्टेंट, पर एक जो बॉडी पॉस्चर हम जैसे एक महीने से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो यहाँ पे आके ऐसे बैठने की आदत पड़ गई, तो कहीं घूमने भी जाओ तो कभी कभी ऐसे बैठ के बोले क्या हो गया थोड़ा सा, तो वो चीज़ होती है डेफिनेटली फॉर सम टाइम। यानी कौशल्या का किरदार वहाँ पर भी आ जाता है कभी कभी? इंद्रजीत का आ जाता है। किसी और किरदार से ही बात करते हैं। बच्चे आपका क्या नाम है? मेरा नाम जानवी है। जानवी, जानवी क्या करते हो? स्टूडेंट प्लस वन। प्लस वन, कब से कर रहे हो राम? दो साल हो गए, तीसरा साल है ये। कैसे इस रामलीला के साथ कैसे जुड़े और क्या किरदार कर रहे हो? मेरी मॉम ही है लाइक जो ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, तो बहुत मन था मेरा भी एक्टिंग करने का, ऊपर से पिछले साल तो चलो टेंथ थी, बट कैसे ना कैसे करके मेरे को एक्टिंग करनी थी और पार्टिसिपेट करना था, तो बस इसी हिसाब से कर लिया। क्या किरदार है आपका? बहुत सारे किरदार हैं, हनुमान का, राजा जनक का, निषाद राज का, और भी बहुत सारे। बजरंग बली हनुमान, कैसे अभिनय करते हो उनका किरदार? क्योंकि राम की जो पूरी लीला रही उसमें हनुमान जी का एक अहम रोल था। जी देखिए मुश्किल तो था, बहुत मुश्किल था, क्योंकि जैसे हनुमान जी की चाल होती है, जैसे वो बात करते हैं, जैसे वो मुस्कराते हैं, जैसे वो नाचते हैं और हर जगह लोगों के साथ होते हैं, तो उसको देखना थोड़ा मुश्किल था, उसको फॉलो करना मुश्किल था, बट कैसे ना कैसे करके प्रैक्टिस करके कोशिश करके कर लिया। प्रैक्टिस करके कोशिश करके इन्होंने भी अपना अभिनय निभाया, और भी कई किरदार ने, कुंभकर्ण हुणे थोड़ी देर पहला असी इन्हों का एक सीन भी वेख रहे सी मैम, कुंभकर्ण का किरदार बड़ा औखा किरदार है, वड्डे वड्डियां दी ना हो जाती है इस किरदार नूं निभाउण लई, किदां तुसीं सुखाले ढंग दे नाल आ किरदार निभा? थैंक यू जी। एक किरदार बेसिकली लास्ट ईयर गुरु जी ने मैनू देखिया सी, तो उदों ही उन्होंने कहता सी नैक्सट ईयर कुंभकर्ण तू करना। शायद मेरा डील डॉल वैसा है, खाना पीना सोना मैनू वैसे ही पसंद है, कहते चलो कुंभकर्ण ही सही। यानी खाना पीना सोना पसंद है तो इस करके कुंभकर्ण ही सही। दूसरा किरदार मैं निभा रही हाँ परशुराम का, वह भी मेरा वो है गुस्सा तो इतने रहा तो नक ते हो। बिल्कुल बिल्कुल, तो परशुराम का एक किरदार है, एक मेरा है जनक जी के कुलगुरु का। तुसी कुंभकर्ण के किरदार दे विच जिस तरह आए हो, घर जो जाते हो घर दे की कहते? घर दे कुछ नहीं कहते, वैसे ज़्यादा बोलते नहीं, घर दे पिछे खड़े। नहीं नहीं बोलते नहीं, नहीं वो हमारी होम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर को कोई चैलेंज कर सकता है? देखो थोड़ी जी कहते ना हर चीज़ सीरियस नहीं होनी चाहिए, थोड़ा हंसी मजाक चलता रहना चाहिए। कुछ होर किरदार भी थोड़े नाल ने, राम जी, राजा रामचंद्र जी की जय। मैम कब से कर रहे हो किरदार? मैंने पिछले दो सालों में जय श्री राम जी का रोल किया है, अभी ये तीसरा साल है मेरा। तीसरा साल, तो मैं कैसे अभिनय कराए, कैसे आप इस संस्था के साथ जुड़े, इसके बारे में थोड़ा सा? संस्था के साथ जुड़े ये शायद थोड़ा सा गलत होगा, शायद जब से स्टार्ट हुआ तो मैं दीदी के साथ ही हूँ डे वन से जी। तो पहला कदम जो दीदी के साथ रखा वो
मैं तब उसमें साथ में थी। वो से प्रेरणा मिली कि राजा रामचंद्र जी का किरदार आप निभा सकते हैं और वही किरदार निभा रहे हैं? नहीं, ये तो गुरु जी की कृपा थी। जी हाँ, मैं छोटा सा रोल करने आई थी, हमें मेन बाहर फील्ड वर्क देखना था दीदी के साथ, बट दीदी से रिक्वेस्ट की, दीदी हम छोटा सा रोल कर सकते हैं क्या? इन्होंने कहा चल तेरी मर्जी है तो तू छोटा सा कर ले। मैं तो छोटा सा रोल करने आई थी, ऑडिशन देने आई थी, पर गुरु जी को पता नहीं क्या दिखा, उन्होंने बोला कि तुझे हम राम जी के रूप में सेलेक्ट करते हैं। आप वैसे क्या करते हैं? मैं वैसे SDFC लाइफ में एज अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट जॉब करती हूँ। बैंक के अंदर जॉब करते हो, उधर बैंक की जॉब, फिर उसके बाद घर की जॉब और उसके बाद ये जॉब, तीनों जॉब कैसे निभा पाते? बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ही डिफिकल्ट है। लोग कहते हैं यार स्कूटी तू आराम से लेकर, मैं कहती हूँ यार मैं आजकल चलाती नहीं हूँ, मैं आजकल उड़ाती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ गुरुजी का डर होता है कि मुझे हर हाल में गुरुजी को 12:30 पहुँचना है और वहाँ जवाब देना है मुझे, क्योंकि मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है। मैंने 2 साल से किया है, मैं तो रम चुकी हूँ, लेकिन जो मेरे साथ नए किरदार हैं ना, उनको मेरे साथ चूँकि कोलाबरेट करना होता है, तो इस वजह से मुझे मेरा टाइम पे पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है। तो आजकल मैं सच बताऊं सवेरे से शाम तक कहां होती हूं किस दुनिया में नहीं पता, बस चूँकि एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, रोल भी करना है, ऑफिस भी देखना है, थोड़ा सा हमारा फील्ड वर्क भी होता है वो भी देखना है, बस राम जी की कृपा है चल रहा है। परिवार की सपोर्ट मिलती है फुल ऑन? मैं अगर यहां खड़ी हूं तो सबसे बड़ा सपोर्ट मेरे हस्बैंड का है, सबसे बड़ा सपोर्ट मेरे पति का है, फिर सोसाइटी का है, और एकता दी की तो क्या बात कहना, मतलब मैं उनकी छोटी बहन के जैसे हूँ, मैं मानती हूँ, मुझे लगता है वो भी मुझे बच्ची और बहन की तरह ही मानती हैं, सपोर्ट उनका भी बहुत मेरे लिए फुल ऑन है। चलो एक चीज़ मैं भी रिवील करदा, हूँ खुलासा मैं भी एक करदा, रावण जेड़ा है वो इस रामलीला का मेरे घरों है। रावण जेड़ा है वो मेरे घरों है, मेरी धर्म पत्नी यानी मेरे होम मिनिस्टर है, इन्होंने भी गलबात कर लें। किस तरह लग रहा है जी थानू रामलीला दे विच रावण दा रोल करके, और थानू कितों प्रेरणा मिली कि तुसी रावण दा रोल कर सकदे हो? मैनू एक्चुअली घरों ही प्रेरणा मिली है इस चीज़ की। बहुत अच्छा लग रहा है। मेन गल है कि हर चीज़ का एक्सपीरियंस, मैनू लगता है कि लाइफ दे विच कुछ सीखन नू मिलता है फर्स्ट, कि जरूरी नहीं होंदा कि आपां कॉलेज दे विच या स्कूल दे विच तां उदों आपां सीखिए, नहीं, हर उम्र सब सानू सीखना चाहिए। मेरी लाइन यही है, मैं डांस टीचर हाँ, तो मैंने इतने सीखने को मिल रहा है बहुत कुछ। मैं कली सिर्फ रावण के रोल च नहीं सीख रही, मैं हर एक करैक्टर देखती हूँ क्या कर रहे हैं, उसके एक्सप्रेशन क्या है, वो किस तरह भाव ले रहा है, मतलब मैं उन्होंने भी सीखती हूँ। बाई चांस मैंने कितने सिखाना हो सेम कुछ एक्ट कराना हो, तो मैं इतों बहुत कुछ सीख के जा रही हूँ। इतों सीख के जा रहे हो, लेकिन घर जाके जो तुम बच्चों फेस करते हो या हसबैंड फेस करते हो तो अपने किरदार च होंगे हो या रावण जी के किरदार च होंगे? नहीं, उत्थे तो मैं देखो बच्चे नाल मावां वांगू हुंदियां ते हस्बैंड नाल पत्नी वांगू। सोसाइटी वाले रावण जी कहंदे ने या अपने नाम नाल ही बुला? नहीं, सोसाइटी वाले हाँ नवरात्र के टाइम ते बस रावण जी कहंदे सारे। होर भी कई किरदार हैं, उन्होंने भी गलबात करांगे। सीता लो जी, सीता माता नाल भी गलबात कर लें। आपका नाम? जय श्री राम, मेरा नाम पायल कटारिया है। पायल कितने साल के हो? मैं 17 इयर्स की हूँ। क्या करते हो? मैं प्लस टू में हूँ। प्लस टू में, और सीता माता का रोल पहली बार अभिनय कर रहे हो? जी, यहाँ पे मैं पहली बार अभिनय कर रही हूँ एज अ सीता माता। आपको कहाँ से प्रेरणा मिली कि रामलीला में भी अभिनय किया जा सके? मेरी मदर एकता आंटी की फ्रेंड हैं, तो उनसे मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली थी ऑडिशन के बारे में, तो मैंने ऑडिशन दे के रोल लिया है। मैंने कॉम्पिटिशन्स वगैरह किए हैं फर्स्ट क्लास से लेकर अभी तक डांस एक्टिंग में, मैं बस इन चीज़ों के साथ पढ़ाई के साथ मेरी मम्मा ने बहुत सपोर्ट करा इस चीज़ के लिए। टफ लगता है? टफ शुरू में बहुत था, क्योंकि मैं पहली बार कर रही हूँ, समझने में बहुत दिक्कत होती है कई बार, क्योंकि एक बहुत गॉडेस का रोल है, एक माता रानी का रोल है, और ये रोल बहुत स्ट्रॉन्ग है, इमोशनल है, और रिप्रेजेंट करना है पूरी रामलीला को साथ में मिलके, और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में ही है, तो सीता माता एक बहुत मेन किरदार है, तो पूरी कोशिश करते हैं कि हम अपना बेस्ट दें। बिल्कुल, कोशिश जड़ी है इन्हों की स्टेज के उपर रंग लादी भी नज़र आती है। मैम तुम की कहना चाहो? मैं केकई का किरदार निभा रही हूँ। केकई एक ऐसा किरदार है जैसे हमें कहा जाता था पंजाबी च कहिए तो श्री रामचंद्र जी जे वनवास गए सी केकई करके गए, ये भी कह सकते हैं कि स्त्री का चरित्र और पुरुष का भाग्य
पल भर में बदल सकता है। ये केकई आपको 13 मिनट के सीन में बता देगी कि पहले पहले वो कह रही है कि मुझको समान है राम भरत, एक ही पेड़ की शाखें हैं, मुझ चिड़िया के पर हैं दो, दोनों मेरी ही आंखें हैं। और अगले 5 मिनट में वो कह रही है, कभी नहीं होगी कौशल्या की मनमानी, युवराज बनेगा भरत लाल, हट मैंने ये ठानी। तो ऐसे ही चरित्र का वर्णन किया है केकई ने। धन्यवाद। वर्णन और काफ़ी टैलेंटेड चेहरे जिहड़े ने वो इत्थे मौजूद हैं। इसी करके लगातार कहा जा रहा है कि पूरे ट्राई सिटी दे विच हुण ते आस पास के पिंडां दे विच शहरां दे विच वी आ रामलीला जिहड़ी है अव्वल नंबर ते आंदी होई नज़र आ। बहुत शुक्रिया जी, और प्रभु राम की कृपा हम सब बहनों पर, हमारी माताओं और बेटियों पर यूं ही बनी रहे। इसमें हम अगर हमारा नाम अव्वल आ रहा है तो सिर्फ महिलाओं की रामलीला करके नहीं आ रहा है, या हमारे विजन करके भी आ रहा है। अब इस बार जैसे हमने दो चीज़ें नहीं करी हैं, हमने अपने पूरे के पूरे 10 दिन, मुझे लगता है हिंदुस्तान में ये ऐसी इकलौती रामलीला होगी जिसने सिर्फ सनातन के विषयों की बात नहीं करी, कंटेम्प्रेरी इंडिया की भी हम बात कर रहे हैं। हमारे 10 विषय, जैसे कि एक दिन हमने जो है भारतीय सेना को डेडिकेट किया है, एक दिन हमने दिव्यांगों को डेडिकेट किया, एक दिन पर्यावरण को डेडिकेट किया, एक दिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक दिन साइबर क्राइम, एक दिन रोड सेफ्टी, एक दिन क्लिनलीनेस। तो ये पूरे 10 दिन हम अलग अलग विषयों पर भी बात कर रहे हैं और छोटे छोटे 5-5 मिनट के एक्ट्स कर रहे हैं। और एक हम चूँकि ये नवरात्र 9 दिन जो हैं, हम 10 दिनों में से 9 दिन नवरात्रि के होते हैं रामलीला जब खेलते हैं, तो हम में से बहुत से लोग व्रत रखते हैं, बहुतों को मालूम होगा, लेकिन कुछ को नहीं भी मालूम होता है कि 9 दिन में आज पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सी माता को समर्पित दिन है। तो हम पूरे 9 दिन जो उस माता का दिन जो समर्पित है, मान लीजिए आज जो है कात्यायनी माँ को समर्पित दिन है, तो उस दिन हमारी एक बेटी, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी दिव्यांग बेटियाँ इसमें ज़्यादा हों, वो जो है माँ का रूप लेकर के खड़ी होंगी और हम 2 मिनट बात करेंगे कि आज की इस माँ के रूप की महत्ता क्या है, हमें क्यों इस माँ को इस रूप में पूजना चाहिए। तो हम नवरात्रों की भी गरिमा को बना के रखने का प्रयास कर रहे हैं, हम समाज में कुरीतियों को भी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, और राम सेवा करने का तो हमारा प्रयास है ही। तो मेरा ख्याल इट इज़ नॉट ओनली बिकॉज इट्स अ विमेन शो इट इज़ पॉपुलर, इट्स अ शो विद अ विजन दैट मेक्स इट मोर पॉपुलर। मैं एक चीज़ वेखी कि इतने हर एज ग्रुप के लोग है, हर एज ग्रुप नाल जुड़िया हुई महिलावां बच्चे है, कितों शुरू हो जाता है एज ग्रुप और कितने जाके खत्म हो? इसमें ये भारत की इकलौती ऐसी रामलीला होगी जिसमें सबसे छोटा जो हमारा पार्टिसिपेंट है, जो हमारी बेटी है, वो 6.5 महीने की है, और जो हमारी सबसे सीनियर मोस्ट जो हमारी जो कलाकार हैं वो 81 साल की हैं। तो आप ये मान लीजिए मोटा मोटा 4 जनरेशन्स हैं इसमें, 20 साल में आइडली जनरेशन चेंज होती है, तो 4 पीढ़ियाँ महिलाओं की इसमें जो है रोल प्ले कर रही हैं। और ये मेरा ख्याल है कि ये भी शायद हमारा पूरे देश में हमारा रिकॉर्ड होगा कि पिछले साल हमारी एक बहन जो रोल प्ले कर रही थी वो गर्भ से थी, उनका मेरा ख्याल 5वां महीना चल रहा था गर्भ से, तो उनकी बेटी अब सबसे छोटी पार्टिसिपेंट है। तो वो बच्ची जो गर्भ में रोल प्ले कर रही थी वो आज मंच पर झोली में आकर के बाल शत्रुघ्न का रोल प्ले करेंगी। तो ये इतनी विविधताएँ आपको जड़ों से जुड़ों की रामलीला के अलावा और कहीं नहीं मिलेंगी। तो हमें गर्व है इस बात का कि हमें चुना प्रभु ने इस सेवा के लिए, हम जो है उसके बहुत धन्यवादी भी हैं कि उसने ऐसी सेवा हमारे को दी और हम सब मिलकर के उस सेवा को पूर्ण कर रहे हैं। बिल्कुल, देखो सीधे तौर पर थोनू अच्छी झलक विखाई है, जिस दिन रामलीला का मंचन शुरू होएगा उस दिन भी थोनू झलक विखावे कि इतों की रामलीला जी है उसका मंचन किस ढंग के नाल होंगे, और आ किरदार जिन्हां दे विच हौसला बहुत ज़्यादा है, जिन्हां च जोश भरिया होया है, किस ढंग दे नाल अपने किरदारां नूं अभिनय करते हुए नजर आते हैं। कैमरा परसन आनंद दे नाल विनित कपूर, दैनिक सवेरा टीवी, पंचकुला। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।